हमीरपुर जिला के बीआईपी सीट नदौन विधानसभा क्षेत्र में आजाद उम्मीदवार भी चुनावी खेल मैदान बिगाड़ सकते हैं। आजाद उम्मीदवार रणजीत सिंह जीतू के चुनाव मैदान में डटे होने से कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों के नेताओं में खलबली मची हुई है। आजाद उम्मीदवार रणजीत सिंह जीतू ने प्रचार अभियान के दौरान कांगू मालग बुढ़ान में प्रचार किया और अपने पक्ष में वोट मांगे। गत डेढ़ दशक से समाज सेवा से जुड़े रणजीत सिंह जीतू ने नदौन विधानसभा क्षेत्र की अनदेखी पर कांग्रेस और बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया और दावा किया कि उन्हें युवाओं और लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है, जिससे इस बार नदौन की जनता आजाद उम्मीदवार पर भरोसा जताएगी। आजाद उम्मीदवार रणजीत सिंह जीतू ने बताया कि नदौन विधानसभा क्षेत्र की कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों के नेताओं ने अनदेखी की है, जिससे विकास के नाम पर यह क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। उन्होंने दावा किया कि जनता का भरपूर समर्थन हर गांव से उन्हें मिल रहा है और जनता बदलाव के मूड में है। क्षेत्र का बिल्कुल विकास नहीं हुआ, उसका कारण ये है कि हमारे क्षेत्र में अच्छे नेता है, जैसे सुखविंदर सुक्खू जी हैं, अग्निहोत्री जी हैं, इन्होंने एक दूसरे पे इल्ज़ाम ही लगाए, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। जो इल्ज़ाम लगाए उसका जो नुकसान है वो हमें हुआ है। तो मुझे अब युवा ये कह रहे हैं कि आप आगे आओ, हम आपका पूरा साथ देंगे, और मैंने देखा है कि आज मेरे साथ युवा हर पंचायत का युवा मेरे से जुड़ा हुआ है। मैं जहाँ भी जाता हूँ मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो मुझे लग रहा है कि इस बार मैं अपनी सीट निकाल सकता हूँ। गौरतलब है कि नदौन विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की ओर से प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू तथा बीजेपी की ओर से विधायक विजय अग्निहोत्री चुनाव मैदान में हैं। ऐसे में समाज सेवी आजाद उम्मीदवार रणजीत सिंह जीतू के चुनाव में कूद पड़ने से दोनों ही दलों के नेताओं में खलबली मच गई है।